प्रॉब्लम सेट टू बीट नंबर वन एमसीक्यू क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में ही टिक कर लो. फर्स्ट वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. नंबर वन ऑप्शन ए बोलो क्या है. 1, 5, 10 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं देखते. पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं पता करने के लिए सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर लो. सबसे बड़ा नंबर उसका स्क्वायर, उससे छोटे नंबर का स्क्वायर लो 25, उससे छोटे नंबर का स्क्वायर लो. ये दोनों का एडिशन 100 हो रहा है क्या? तो ये नहीं है हमारा ऑप्शन. ऑप्शन बी 3, 4, 5 का स्क्वायर लो. 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये दोनों का एडिशन करो 25 हो रहा है क्या? ये और ये सेम है तो यही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी. बड़े नंबर का स्क्वायर बाकी जो दो नंबर बच गए उसके स्क्वायर के एडिशन के बराबर हो तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है. ये सीखा था हमने 2.1 में. ठीक है नेक्स्ट सेकंड वन. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ इसकी हाइट क्या है, सॉरी इसकी वैल्यू क्या है हाइपोटेन्यूस की. अगर ये दो साइड के स्क्वायर का एडिशन कितना हो रहा है 169. ये एक हाइपोटेन्यूस है, ये है साइड वन, ये है साइड टू. सपोज हमें पता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस, सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये दोनों के स्क्वायर का एडिशन दिया डायरेक्ट 169. ये स्क्वायर उधर भेजो रूट 169 यानी कौन सा है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. आउट ऑफ द गिवन डेट्स विच वन इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. नंबर वन 15, 8, 17 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, हाँ ये दोनों को ऐड करेंगे 9, 8, 2. हाँ राइट है ऑप्शन ए. नेक्स्ट अगर ए बी सी एक ट्रायंगल के साइड है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो रहा है तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा वो. ठीक है ऑप्शन सी. नेक्स्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? क्या है फॉर्मूला? 4 × साइड. ये निकालने के लिए क्या लगेगा? साइड की वैल्यू जो नहीं है हमारे पास, साइड ऑफ अ स्क्वायर. फॉर्मूला क्या है? साइड ऑफ अ स्क्वायर, हाँ डायगोनल कितना दिया है बाय कितना हुआ 40. ऑप्शन पेरीमीटर पूछा है, गड़बड़ में 10 को टिक करके आओ मत एग्जाम में. हाँ एक राइट एंगल से जो हाइपोटेनियस को अल्टीट्यूड जा रहा है वो एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस को, उसको बोलेंगे अल्टीट्यूड ऑफ हाइपोटेनियस. ये इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक की वैल्यू कितनी है 4, दूसरे की, तो हमें बोलना है कि ये अल्टीट्यूड की लेंथ कितनी है. यही है ना? हाँ बोलो कैसे सॉल्व होगा. ज्योमेट्रिक मीन अल्टीट्यूड स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 9. अल्टीट्यूड स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू तो अल्टीट्यूड की वैल्यू हो गई 6. ऑप्शन सी. हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 18. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस. हमें पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ 24 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 18 का, राइट दोनों का एडिशन. सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900. हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 900. हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू ये दो जीरो बाहर आके सिंगल जीरो, 9 बाहर आके 3, कितना है ऑप्शन. ठीक है नेक्स्ट. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक जो साइड है जो सबसे बड़ी साइड है वो है 12, एक साइड जो है वो है 6√3 और तीसरी जो साइड है वो है 6.
अब ये दोनों को देखो क्योंकि हमें एंगल ए निकालना है। एंगल ए जो है ये साइड के अपोजिट में आ रहा है ना। ये एक ट्रायंगल है जो सबसे बड़ी साइड है और ये जो साइड है उस सबसे बड़ी साइड का हाफ है। तो कौन सी साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ होती है या हाइपोटेनियस से? कौन से ट्रायंगल में एक साइड हाफ होती है हाइपोटेनियस से? कौन से टाइप का ट्रायंगल होता है वो? 30, 60, 90 होता है। तो ये तो 90 हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी साइड के ऑपोजिट में। कौन सी साइड हाफ होती है कौन से एंगल के अपोजिट में? ये साइड हाफ है इससे, तो इसका अपोजिट एंगल कितना होगा? 30 होगा क्योंकि 30 डिग्री की अपोजिट साइड हाफ होती है हाइपोटेनियस से। और ये हो जाएगा 60 क्योंकि 60 डिग्री की ही अपोजिट होती है रूट थ्री बाय टू इंटू 12 करो तो 6√3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री। ये होगा बाय द कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90। जहाँ एंगल फाइंड आउट करना है वहाँ कन्वर्स आएगा, जहाँ पे साइड फाइंड आउट करना है वहाँ 30, 60, 90 का प्रॉपर्टी आएगा। क्लियर है? कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन ए हो गए क्या MCQ? ठीक है, बीट नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल यानी जिसके सारे साइड सेम हो, उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला है हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल का। हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाँ फॉर्मूला पता है क्या? ये हो जाएगा √3/2 इंटू साइड। फॉर्मूला क्या है? √3/2 इंटू साइड। साइड की वैल्यू दिया है अपने को कितनी है? 2a दिया है। सो √3/2 इंटू साइड 2a, √3a। क्लियर है? यही आंसर है। वन मार्क क्वेश्चन। हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू साइड। ये तीनों साइड अगर ट्रायंगल के वैल्यूज है, ये एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड के वैल्यू दिया है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा ये पता नहीं। कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे? सबसे बड़े नंबर का पहले स्क्वायर लेंगे। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर बाकी जो दो नंबर बच गए उनका एडिशन कर दो स्क्वायर का। 24 स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 का स्क्वायर और 7 का, दोनों का एडिशन 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस 47 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम 7 सेंटीमीटर कॉमा 24 सेंटीमीटर कॉमा 25 सेंटीमीटर विल फॉर्म और राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है क्या? फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 11 एंड 60। एक रेक्टेंगल है जिसके साइड्स 11 और 60 है। लेंथ इज इक्वल्स टू 11 एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 60। हमें निकालना है डायगोनल का लेंथ। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ये भी प्रैक्टिस सेट में सीखा हुआ है। 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर 121। सेम क्वेश्चन है शायद ये पहले की तरह। पाइथागोरस ट्रिपलेट में देखा था शायद आपने।
61 का स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आके सेंटीमीटर। सो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द, क्या पूछा है, फाइंड द हाइपोटेनियस इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर, साइड वन को ले लो 9, साइड टू को ले लो 12, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 81 प्लस 144 225, ये है हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू। स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, हाइपोटेनियस की वैल्यू 15। क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिख दो, क्लियर है, लिख कर लो। द गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलियस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, देयरफॉर S1 is equals to S2 is equals to X। अगर ये नहीं लिखा है अपन ने सपोज, तो इसके आगे भी लिख सकते हैं अपन, S1 is equals to S2 is equals to X। यहाँ लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलियस राइट एंगल ट्रायंगल, वैसे भी चल जाएगा। आइसोसेलियस राइट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, यानी वो 45 45 90 का होता है। ये भी X है, ये भी X है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है बाय, आप पाइथागोरस से करो या 45 45 90 से करो, आंसर सेम आएगा। मैं पाइथागोरस से करके बता रहा हूं आपको। हाँ, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, स्क्वायर उधर भेजो, स्क्वायर रूट 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं तो रूट टू, एक्स स्क्वायर बाहर आकर x हो जाएगा, तो रूट टू एक्स इज द हाइपोटेनियस। समझ में आ रहा है क्या, लिख कर लो।